साथियों, आज का दिन स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मेरे लिए भी एक यादगार अवसर है। जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे, किस कल्पना के साथ इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ था, और स्वाभाविक है कि लंबे अरसे तक मंथन किया, बहुत एक्सपर्ट्स लोगों के साथ मैंने संवाद किया, दुनिया में इस दिशा में क्या क्या हो रहा है उसका अध्ययन किया, और सारी मशक्कत के बाद एक छोटा सा स्वरूप यहां गुजरात की धरती पर आकार लिया। हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जो देश में रक्षा का क्षेत्र था, उस समय सामान्य तौर पर एक लॉ एंड ऑर्डर रूटीन व्यवस्था का हिस्सा था, और अंग्रेज भी अपनी दुनिया चलती रहे इसलिए जरा दमखम वाले, लंबे चौड़े कद वाले, डंडा चलाएं तो सब दूर पता चल जाए कि वो क्या है, इस इरादे से लोगों को रिक्रूट करते थे। जो रेशियल मार्सेस थे, कभी उसमें से चुनौती करते थे, और उनका काम भारत के नागरिकों पर डंडा चलाना, यही एक प्रकार से उनका काम था, ताकि अंग्रेज सुख चैन से अपनी दुनिया चला सके। लेकिन आजादी के बाद उसमें बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में उस दिशा में जितना काम होना चाहिए हम बहुत पीछे रह गए, और उसके कारण आज भी सामान्य जो परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन खास करके पुलिस के संबंध में, ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि भाई उनसे बच के रहो, इनसे जरा दूर रहो। यूनिफॉर्म में हमारे देश में सेना भी है, लेकिन सेना के लिए परसेप्शन क्या है, कहीं कोई संकट की घड़ी है और दूर से भी सेना दिखाई दे तो उसको लगता है कि अब तो कोई संकट नहीं है, ये लोग आ गए हैं, एक अलग परसेप्शन है। और इसलिए भारत में ऐसे मैन पावर को सुरक्षा क्षेत्र में तैयार करके लाना बहुत जरूरी है, जो सामान्य मानवी के मन में एक मित्रता के अनुभूति करे, एक विश्वास की अनुभूति करे। और इसलिए हमारी पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल को बदलने की बहुत आवश्यकता थी। उसी गहन चिंतन में से भारत में पहली बार इस प्रकार का प्रयोग हुआ था, जो आज विस्तार होते होते राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है।